This question 1.28. A conductor A with a cavity shown in the figure, this figure, is given a charge Q. Okay, this conductor given a charge Q so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. So first question is that you have to show that ये जो चार्ज क्यों दिया गया इसके ऊपर, ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही रहेगा, इसके अंदर नहीं आएगा. सो फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर, इसके अंदर आपको चार्ज नहीं आना. आप देखो सबसे पहले ये कंसीडर करो कि जब भी कोई चार्ज कंडक्टर होगा, एनी चार्ज कंडक्टर, ओके, किसी भी चार्ज कंडक्टर का जब बात कर रहे होते हैं तो इसमें चार्ज आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस. तो चार्ज इक्वली उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड इज जीरो. किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है. सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड. तो इसके अंदर आप जैसे ये हमारा कैविटी है, इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो. इन दिस कैविटी वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सो टू प्रूव कि इसके अंदर चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज इसी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लेट अस एज्यूम यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ये पूरे कैविटी को जो कवर करेगा. ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर आप गॉस लॉ लगा, अब लिखोगे इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट. सो क्यू इज द चार्ज इनसाइड. नाउ वी हैव एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हमें पता है पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में जीरो होगा. सो नेट फ्लक्स इज जीरो. इफ नेट फ्लक्स इज जीरो, इट मीन्स क्यू इनसाइड इज जीरो एज वेल. ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अनदर कंडक्टर बी with charge Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A. Suppose ये जो B point है, ये एक अलग conductor है जिसके पास चार्ज हमने B लिया है, B conductor को चार्ज Q दिया है और इससे insulator रखा, मतलब इसमें touch नहीं हो रहा, ये अलग है, A से अलग है. तो अब आपको बताना है कि इसके surface पे जो charge है, ये वाला charge इसके surface पे आके ये Q plus Q हो जाएगा. अब देखिए इसको आप ऐसा समझें कि अंदर जो हमने B पार्ट लिया, ठीक है, ये जो हमारा बी बॉडी है, इसके पास क्या है, चार्ज क्यू है. देखो इस ये हमारा बाहर वाला सरफेस है, ये हमारा बाहर वाला सरफेस है. तो होगा क्या, जैसे ही आपने इसके अंदर चार्ज लिया है तो इस कैविटी में यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो था, अब ये क्या करेगा, ये चार्ज जो हमने लिया है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अब क्या करेगा, बाहर वाले सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली क्यू अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा. और अगर क्यू चार्ज नेगेटिव सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर, इसका मतलब है कि ये बाहरी बाहर वाला जो सरफेस होगा, इसके बाहर से बाहर का जो सरफेस होगा, इसके बाहरी सरफेस पे यही एग्जैक्ट अमाउंट का क्यू पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा प्लस क्यू. और पहले से हमारे पास चार्ज है क्यू, सो नेट चार्ज यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस. This was again a conceptual question. इसको आप समझिए अच्छे से और अपने words में इसके answers को लिखिए. So next question is, a sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment. Suggest if possible way. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक metallic conductor, कोई भी metallic conductor use करना है जो कि closed हो. Closed metallic conductor आप use कर लो, ठीक है, जिसके अंदर में एक कैविटी बना लेते हैं, जिसके अंदर में जगह हो जहां पे हम किसी इंस्ट्रूमेंट को रख सके. ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. आपको पता है मेटल कंडक्टर होता है, तो कोई भी मेटलिक कंडक्टर आप ले लीजिए, चार्ज कंडक्टर या मेटल ले लीजिए, जनरल कोई मेटल. अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता भी है यहाँ पे, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से भी इस कंडक्टर के अंदर कैविटी में जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आता है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन जीरो. ओके, सो बाहरी एनवायरनमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका जो भी डिवाइसेस होगा, इंस्ट्रूमेंट जो सेंसिटिव होगा, जैसे एमीटर या गैल्वेनोमीटर, ये सब सेफली आप इसको इसके अंदर में रख सकते हो किसी भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कैविटी के अंदर जो कि कंडक्टिंग बॉडी का बना हो, कोई भी कंडक्टर. सो दिस वाज क्वेश्चन 1.28.